हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। बच्चे जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उनकी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी क्लास है पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर फ्री में चलने वाली है सभी ब्रांच की। चाहे आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी ब्रांच में एडमिशन लें तो आपकी पूरी की पूरी क्लासेस क्या होंगी इस चैनल पर फ्री में चलने वाली है। तो उसी के बारे में लोग इसी की वीडियो में बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में ब्रांच वाइज किस ब्रांच में आपको एडमिशन लेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे आपको, इसके बारे में लोग पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुल इतने सब्जेक्ट्स हैं लेकिन सभी सब्जेक्ट सभी ब्रांच को नहीं पढ़ने होते हैं तो ब्रांच वाइज सब्जेक्ट होते हैं। तो किस ब्रांच में एडमिशन लेने पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग के चार सब्जेक्ट की बात करें, अप्लाइड मैथ फर्स्ट हो गया, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया और कम्युनिकेशन स्किल हो गया। ये चारों क्या है, ये चारों जो है कॉमन है सभी ब्रांच के लिए। ये चारों सब्जेक्ट कॉमन फॉर ऑल ब्रांच है यानी कि सभी ब्रांचों के लिए सारे चारों सब्जेक्ट क्या है कॉमन है। मतलब किसी भी ब्रांच में अगर एडमिशन लेते हैं तो ये चार सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें जो आपको पढ़ना है अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग जो है इसमें हम लोग बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो ये भी इंटरमीडिएट से आसान होता है आपका। अगर मैं बात करूं ये चारों के चारों सब्जेक्ट अगर आप इंटरमीडिएट पढ़ के आए हैं तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पूरा का पूरा आपका इंटरमीडिएट से ही का ही सिलेबस है, मतलब उससे बहुत कम है और यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही कम होता है। तो अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ, 12वीं 11वीं की बात करूँ तो उसकी तुलना में आपका ये जो सिलेबस है क्या है, बहुत आसान सिलेबस क्या है आपका, बहुत आसान है। फिर अगर मैं बात करूँ ये सभी ब्रांच के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैकेनिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसको सिविल वाले पढ़ेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे पढ़ेंगे, इसको केमिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसको पेंट वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसको प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। और भी कुछ ब्रांचेज हैं जिसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, यानी कि इतने ब्रांच के लिए आपको पांच सब्जेक्ट, चार ये और एक पांचवा ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है ये जो है ओनली सिविल पढ़ता है, कौन पढ़ता है, सिविल, यानी कि कंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में, कोई सड़क बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करते हैं, जैसे गिट्टी हो गया आपका, मोरंग आपका हो गया, आपका क्या हो गया, आपका ईटे हो गई, आपका क्या हो गया, सीमेंट हो गया, इन सब के बारे में इसमें पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। तो ये सिविल वाले बच्चे पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि सिविल ब्रांच से पढ़ने के बाद ही आपकी जो जेई बनते हैं जैसे PWD में सड़क वगैरह जो बनाते हैं, समझ रहे ना, आपका इरीगेशन इंजीनियरिंग जो सिंचाई वगैरह करते हैं, तो विभिन्न जो आपके आवास विकास हो गया, जो बिल्डिंग वगैरह बनवाते हैं, तो विभिन्न फील्ड में जो जेई होते हैं तो उनके लिए सब्जेक्ट है क्या, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसको कौन पढ़ेगा, सिविल वाले बच्चे आपके पढ़ते हैं। अब मैं बात करूँ अगर टेक्निकल ड्राइंग की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टेक्निकल ड्राइंग जो पढ़ेगा वो कौन कौन सा पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, इसको CS वाले बच्चे पढ़ेंगे और इसको IT वाले बच्चे पढ़ेंगे। तीन ब्रांच वाले बच्चे पढ़ते हैं क्या, टेक्निकल ड्राइंग। तो ये भी जो आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट है उससे लगभग 80% आप सिलेबस क्या है उसका कॉमन है, बस एक से दो चैप्टर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो मतलब उसमें नहीं दिया होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में। तो आपका मतलब मान के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जो चलेगा उसका 80% सिलेबस कॉमन होगा, बस दो चैप्टर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबल वगैरह के बारे में आपको अलग से पढ़ना होगा। अब मैं बात करता हूँ एलिमेंट्री मैकेनिक्स एंड मटेरियल, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट, एलिमेंट्री मैकेनिक्स एंड मटेरियल। तो इस सब्जेक्ट को कौन सा ब्रांच वाले बच्चे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे जो है इस सब्जेक्ट को जो है पढ़ेंगे। अब मैं बात करूँ अगर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इसके बारे में जो है CS और IT वाले पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा, CS और IT ब्रांच वाले जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे, वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि आप अगर किस ब्रांच में किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेंगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने होंगे, इसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। तो आप मान लीजिए आपका एडमिशन हो रहा है किसी ब्रांच में तो आपको पहले से ही पता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अब अगर मैं आगे बात करूँ
तो ये पूरी की पूरी जो क्लासेज होने वाली है पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर, सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो पूरा का पूरा सिलेबस क्या होगा, आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला पे जो है फ्री में पढ़ाया जाएगा। और अगर मैं बात करूं, अगर जो बच्चे एड फ्री क्लास करना चाहते हैं, जैसे होता क्या है यूट्यूब में जो क्लासेज होती हैं उसमें बीच बीच में एड्स आते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। और नीचे जब हम कोई वीडियो देखते हैं, नीचे सजेशंस में हमको वीडियो दिखाते रहते हैं, तो हम कभी कभी भटक जाते हैं, एक क्लास कर रहे हैं छोड़ करके दूसरे क्लास पे हम लोग कूद जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर आपको एड फ्री क्लास करना है तो एड फ्री क्लास के लिए पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पर सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स मात्र 11 रुपए में अवेलेबल है, क्योंकि ऐप का हमको कुछ चार्ज देना पड़ता है। इस वजह से आपका ऐप पर जो क्लासेज होंगी मात्र 11 रुपए में कंप्लीट सिलेबस का जो है आपको क्लास क्या हो जाएगा वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना होगा क्या, पॉलिटेक्निक पाठशाला, क्या पॉलिटेक्निक पाठशाला। आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप दिखेगा और इस ऐप को क्या कर लेंगे, डाउनलोड करके इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको जो है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स दिखेगा। आप अभी से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पे कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस जो है पहले से अवेलेबल है। तो अभी से आपका भी एडमिशन अगर नहीं भी हुआ पॉलिटेक्निक में, क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अभी से क्या कर सकते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे ये क्या है, ये चार सब्जेक्ट कॉमन है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो जिस ब्रांच में आपका एडमिशन होगा, जो एक्स्ट्रा वाला सब्जेक्ट होगा उसको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो फर्स्ट है इसमें हमको ड्राइंग बनाना रहता है। क्या बनाना रहता है, ड्राइंग। जैसे आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में, जो बच्चे आर्ट पढ़ के आए होंगे, एक होता है प्राविधिक कला होता है, क्या होता है, प्राविधिक कला होता है, जिसमें कुछ सवाल लगाने होते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये ड्राइंग होती है क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जो आपका वहां पे प्राविधिक कला पढ़ रहे थे उसी का एडवांस वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे जो आपके लोकल सिटी में नहीं मिलते हैं, जहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है वहीं पे ये देखने को मिलेगा। तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो ये सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, और टेक्निकल ड्राइंग, दोनों के सिलेबस क्या है 80% आपके कॉमन है। अब फिर अगर मैं बात करूं पूरी की, हाँ, ये ऐप पे आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है 11 रुपए में मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ, अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाकर के जो भी कोर्स है वहाँ पे देख सकते हैं, polytechnicpathshala.com। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है। तो अगर कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई सजेशन चाहते हैं, आपको एडमिशन से रिलेटेड ही अगर कोई सुझाव चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस पे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कोई कॉलेज हो, कोई ब्रांच हो, आपका रैंक कितना है, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज और ब्रांच को मैं आपको गाइड कर दूंगा, क्योंकि हम लोग पॉलिटेक्निक के बच्चों को पिछले 12-13 सालों से पढ़ाते हुए भी आ रहे हैं और गाइड करते हुए भी आ रहे हैं। तो बीटेक वाले बच्चे भी हमारे गाइडेंस में जो है बीटेक एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमको पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ाने का। 2012 से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो ये आपका पढ़ाने का 13वां साल है पॉलिटेक्निक के बच्चों को। फिर अगर मैं बात करूँ, ये जो है अगर किसी बच्चे को मेल वगैरह करना है, तो इस आपका मेल आईडी है polytechnicpathshala@gmail.com, तो इस पे मेल कर सकते हैं। और ये जो आपकी क्लासेज होती हैं वो आपकी गोरखपुर से रन होती हैं। बाकी आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का। उस ग्रुप से के लिंक से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसी ग्रुप में क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग जो है अब सेमेस्टर क्लास में। जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है टाइम टू टाइम सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।